देश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ सरकार क्या सख्त कदम उठाएगी, इस पर महिला विधायक मनीषा चौधरी ने जानकारी दी। साथ ही सदन में इस गंभीर मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने की बात बताई। देश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसी स्थिति निर्माण हुई है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग महिला विधायक जो है उनसे बात करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सदन में क्या मुद्दा रखा जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी। हमने लक्ष्य वेदी लाई थी साइबर क्राइम के ऊपर, और लक्ष्य वेदी हमारी ली नहीं सत्ताधारी पक्षा ने, और हम कहना चाहते हैं कि 1 दिसंबर से आज 18 दिसंबर हुआ, इन दिनों में मुंबई में महाराष्ट्र में कितनी महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए। इसीलिए गृह मंत्री का हम लक्ष्य वेदी करते हैं कि हमारी महिला बहनें जो है ये सुरक्षित रहना चाहिए। आज महाराष्ट्र में मुंबई में खास करके साइबर क्राइम महिलाओं के ऊपर बढ़ा है। इस साइबर क्राइम में पूरे मुंबई में एक ही पुलिस स्टेशन है, वो भी हमारा बीकेसी में है। तो रीजन वाइज हर एक मुंबई में 6 रीजन है, ये 6 रीजन में महिलाओं को साइबर क्राइम के हर एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, वहाँ आईटी एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी वहाँ होने चाहिए। अभी ऐप के माध्यम से अश्लील चित्र महिलाओं को भेजे जाते हैं वो भी, और दूसरे जो बोगस अकाउंट फेसबुक के बोगस अकाउंट व्हाट्सएप के खोल के महिलाओं के ऊपर छेड़ाछेड़ी होती है, उससे गुनहगार पुलिस को मिल नहीं रही है। क्योंकि जियो के फ़ोन के माध्यम से अगर आप उसमें कॉलर आईडी भी चेक करते हैं तो वो यूपी का बिहार का कौन सा भी नंबर आता है, तो तुरंत महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए साइबर क्राइम के लिए हर एक रीजन में हमें साइबर पुलिस स्टेशन चाहिए। थैंक यू मैम। ये थी महिला विधायक मनीषा चौधरी मैम, जिन्होंने महिला सुरक्षा के ऊपर अपनी साइट जो है बहुत ही मजबूती से रखी। वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ मैं एकता गहरवार, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।